मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजस्थान में सोमवार को कोरोना के 550 नए कोरोना के रोगी मिले हैं। राजधानी जयपुर में सबसे अधिक 414 नए संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 2084 हो चुकी है। राजधानी जयपुर में कोरोना संक्रमण लगातार बेकाबू होता जा रहा है। जिले में रोज नए रिकॉर्ड मरीज मिल रहे हैं। बढ़ते संक्रमण चिकित्सा विभाग को सकते में डाल दिया है। सोमवार को 414 नए मामले अकेले जयपुर में मिले हैं, जिसके बाद जयपुर में एक्टिव केसों की संख्या 1490 हो गई है। बता दें, बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजस्थान सरकार नई गाइडलाइन जारी करते हुए जयपुर में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के स्कूलों को 9 जनवरी तक बंद कर दिया है। यानी कि राजधानी जयपुर में अब कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर, राजस्थान के नागौर जिले के रूण गांव में एक अजीब संयोग सामने आया है। यहां 58 साल लंबा दांपत्य जीवन साथ बिताने के बाद पति और पत्नी ने एक साथ ही दुनिया को अलविदा कह दिया। इस गांव में इस जोड़े के प्रेम की मिसाल दी जाती थी। जानकारी के अनुसार रूण गांव में रहने वाले 78 साल के राणा राम सेन को सांस की तकलीफ थी। इलाज के लिए उन्हें पहले नागौर और फिर जोधपुर ले जाया गया, लेकिन रविवार सुबह जोधपुर में उनकी मौत हो गई। उसके बाद सुबह 8 बजे राणा राम का शव रोण गांव स्थित उनके घर लाया गया। पत्नी भावरी देवी ने जैसे ही पति का शव देखा तो वह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने भी दुनिया छोड़ दी। पति और पत्नी के इस अटूट प्रेम से लोग आश्चर्यचकित रह गए। पति और पत्नी दोनों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। इसकी अगली बड़ी अपडेट पर नजर डाले उससे पहले राजस्थान के मौसम को लेकर सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है। राजस्थान में मंगलवार रात से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा, जिसका असर बुधवार को ज्यादा दिखाई देगा। मौसम विभाग की माने तो 5 जनवरी को 10 जिलों में ओलावृष्टि हो सकती है। 7 जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना बन रही है। बड़ी बात तो यह है कि 7 जनवरी को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ बनेगा, जिसके चलते 12 जिलों में ओलावृष्टि और 18 जिलों में कहीं कहीं पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। यानी कि इस पूरे सप्ताह बारिश और ओलावृष्टि का पूरा जो रहेगा, जिसके चलते सर्दी कहर ढाएगी। मौसम विभाग की माने तो 5 जनवरी से लेकर 7 जनवरी के बीच अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, टोंक, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, नागौर जिले में कहीं कहीं पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। एक और बड़ी खबर, प्रदेश भर में 15 प्लस एज ग्रुप का वैक्सीनेशन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गणगौरी बाजार स्कूल से विधिवत शुरू किया। इस मौके पर सीएम गहलोत ने कार्यक्रम में बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि जिस स्कूल में 500 बच्चियां होगी वहां कॉलेज खोल दी जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने यह भी कहा कि हमें खुशी है कि बच्चे खुद आके आकर वैक्सीन लगा रहे हैं। वहीं आपको बता दें, अगर आपके मन में भी वैक्सीन को लेकर कोई डर या भ्रम है तो निकाल दीजिए, क्योंकि प्रदेश में कल काफी सारे बच्चों ने कोरोना की वैक्सीन लगाई है जो 15 साल से ऊपर के हैं। वैक्सीन लगवाने के बाद कई बच्चों ने कहा सुई कब लगी पता ही नहीं चला। राजस्थान के लिए एक और बड़ी खबर, कोयले की कमी से जूझ रहे राजस्थान में देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क बीकानेर के पूगल में स्थापित होने जा रहा है, जहां से 4000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की ओर से 2000 मेगावाट और शेष 2000 राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से लगाया जाएगा। तो यही थी प्रदेश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप अपडेट रहे राजस्थान समेत देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से। धन्यवाद।